going to read a poem from Robert Frost, that is Fire and Ice. एक पोएम है आपके बुक में फायर एंड आइस. इट इज रिटन बाई ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है. ही इज एन अमेरिकन पोइट. वो कौन है? एक अमेरिकन पोइट है. एक्चुअली इट इज अ सिम्बॉलिक पोएम. सिम्बॉलिक पोएम का मतलब क्या होता है? इट मीन्स फायर, आग. आग का मतलब इसमें यूज किया गया है डिजायर के लिए. डिजायर दैट मीन्स जो हमारी इच्छाएं होती है. आइस, आइस जो है वो हेट के लिए यूज किया गया. हेट यानी हम ह्यूमन बीइंग्स का जो एक इमोशन है, एक दूसरे के प्रति जो नफरत है, उसके लिए पोइट ने क्या किया है? आइस वर्ड यूज किया है. तो ये फायर और ये आइस जो है एक्चुअली क्या है? वो अलग अलग चीजों के लिए यूज किया गया है. इट इज मेटाफर. ये एक लिटररी डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं मेटाफर, जो एक्चुअल मीनिंग ना देकर वो दूसरा मीनिंग देते हैं. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. पोइट कहता है कि ये वर्ल्ड जो है वो किससे खत्म हो जाएगा? वो आग यानी डिजायर से खत्म हो जाएगी ये दुनिया. कुछ लोग कहते हैं, एक्चुअली ये जो ओपिनियन है ये पोइट का खुद का ओपिनियन नहीं है. वो कहता है कि कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. ये दुनिया आग यानी डिजायर, जो हमारी अंदर इच्छाएं है, उसके कारण खत्म हो जाएंगी. सम से इन आइस. और कुछ लोग क्या कहते हैं? आइस यानी इनसेंसिटिवनेस, हेट्रेड, नफरत के कारण ये दुनिया खत्म हो जाएगी. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. अगेन पोइट क्या कहता है? पोइट कहता है कि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने जो आज तक डिजायर यानी इच्छाओं के बारे में जहां तक उसने जो टेस्ट किया है उसके हिसाब से, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उसके साथ अपना ओपिनियन रखता हूं या मैं उनको सपोर्ट, फेवर करना दैट मीन सपोर्ट करना, मैं उनको सपोर्ट करता हूं जो कहते हैं कि हमारी अनंत इच्छाओं यानी हमारी डिजायर के कारण ये दुनिया खत्म हो जाएगी. क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं उसी के कारण हम एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं? एक दूसरे से लड़ाइयां लड़ते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या यानी जेलस वाली फीलिंग रखते हैं. हमारी फ्यूरी जो है वो सारे कारण होंगे इस दुनिया को खत्म करने के लिए. पोइट का अपना ओपिनियन है क्योंकि उसने उस चीज को क्या किया? टेस्ट किया है और उसको लगता है कि दुनिया जो है वो फायर यानी डिजायर के कारण खत्म हो जाए. अगेन द पोइट सेज बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. कहता है कि अगर इट है इस वर्ल्ड के लिए, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. पेरिश मीन्स होता है एंड, ठीक है, डाई इसमें है लेकिन इसमें हम लोग पोइम में एज एंड पढ़ेंगे इसको. तो पोइट का कहना है कि अगर इस वर्ल्ड को दो बार खत्म होने का, एंड होने का मौका मिले, अगर ये दूसरी बार खत्म होती है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट. जहां तक मुझे लगता है मैं हेट के बारे में भी एनफ मतलब काफी कुछ जानता हूं. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, ये कहने के लिए कि डिस्ट्रक्शन के लिए, मतलब डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट. इस दुनिया को खत्म करने का की जो क्षमता है वो आइस में भी बहुत ज्यादा होती है. एंड वुड सफाइस, एंड सफाइस मीन सफिशेंट, और आइस में भी इतनी क्षमता है कि वो इस दुनिया को क्या कर सके? डिस्ट्रॉय यानी पूरी तरह से खत्म कर सके. तो पोइट अगेन, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पोइट क्या कह रहा है. शुरू से पोइट कहता है कि फायर के कारण से ये दुनिया खत्म हो जाएगी. जो लोग ऐसा कहते हैं, ही फेवर्स दोज पीपल, वो उन लोगों को फेवर करता है सबसे पहले. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फायर जो है इट इज यूज्ड फॉर डिजायर, इच्छाओं के लिए. क्योंकि हम अपनी गलत सही इच्छाओं की को पूरा करने के लिए एक दूसरे को मारने से भी पीछे नहीं हटते हैं. और यही है, यही डिजायर जो है, यही फ्यूरी जो है, यही जेलस जो है, ये एक दिन इस दुनिया को खत्म कर देगी. लेकिन अगर इस दुनिया को दोबारी खत्म होने का मौका मिलेगा, दूसरी बार अगर ये खत्म होती है, तो आइस, आइस इज यूज फॉर हेट. सिम्बॉलिक है ना आइस, इसलिए आइस जो है वो हेट के लिए यूज हुआ है. तो हेट जो है, नफरत जो है, नफरत, इनसेंसिटिवनेस, कोल्डनेस, वो भी इस दुनिया को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रक्ट करने की
बहुत ज्यादा क्षमता रखती है। और वही पोइट कहना चाहता है कि आइस को भी आप कम ना समझे, इनसेंसिटिवनेस हेट्रेड को भी आप कम ना समझे, ये भी दुनिया को खत्म करने की क्षमता रखती है। लेकिन वो स्ट्रांगली फेवर करता है पहले उसको, जो बोलते हैं कि फायर में बहुत ज्यादा क्षमता है, फायर में, फायर के कारण, हमारे डिजायर के कारण ये दुनिया खत्म हो जाएगी। दैट्स इट।